सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल लोगों के, स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज अपन आ चुके हैं फैक्ट्री में और ये वाला गेम प्ले देखना कितना तेज होने वाला है, मतलब बिल्कुल फास्ट पेस होगा। किल्स भी इसमें ज्यादा होंगे, बट स्टिल गेम प्ले कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मुझे देखो VSS मिलती है और अपने टीममेट का स्किल के मिल चुकी है, तो भाई वो तो किल छोड़ने वाला है। यानी कोई नहीं, फ्लेयर मिली जो कि मेरे किसी काम की नहीं है भाई, M4 उठाएंगे ऐसे फटाफट। टोम्बे भी मिल चुकी है, सब कुछ मिल चुका था। देखो आर्मर्स के पीछे मैं इतना भागता हूँ नहीं, गन मिल गई, राजी हो जाओ। बस अब बंदे की कमी थी जो कि आने वाला था बस। यह है भाई के फुटस्टेप्स, मैंने M4 ली एक बार, ऐसे थोड़ा डोर बनने का ट्राई करा पर नहीं बना गया। सिंपल तरीके से इस बंदे को मारना पड़ा। यहाँ से 6-6 विद M4 तो थी मेरे पास, तो भाई अब तो मौज हो गई है। थोड़े बहुत मेरे को अटैचमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं और अब हम निकल चुके थे आगे की तरफ, लेकिन क्योंकि अटैचमेंट मिल चुके थे तो भाई M4 है, तो यार मिड रेंज खेलेंगे ना थोड़ा मजा आता भाई, बिल्कुल दूर से स्प्रे जाता, तो मैं यहाँ पे प्रोन हो जाता हूँ। पर भाई क्या फायदा प्रोन होने का, वहाँ पे देखो मिनी 14 वगैरह चल चुके, पेटियाँ बन रही है पर बंदे मेरे को विजिबल नहीं यार, यहाँ से दिख ही नहीं रहा कोई भी। क्या इस पर मेरे को ये दिखा यहाँ पे एक, और ये बंदा देखना तुम, ये बंदा भाई वो जो बंदा था ना शैक के अंदर, वो देखना अगले 2 मिनट तक उस शैक में रहने वाला है। देखो वहां पे एक बॉट था, मुझे बॉट नहीं लगा, मैंने सोचा स्प्रे मार दूं, पर उस बाद मैंने कच्चे मन से स्प्रे मारा, मतलब बॉट था ना इसलिए मैंने कच्चे मन से स्प्रे मारा कि छोड़ो क्यों नॉक करना, बट फिर मन में लालच आ गया। अब देखो मेरे शैक वाले बंदे को बताते ना, देखो वो अभी भी शैक में है, मुझे लगा इस ब्लैक आउटफिट वाले बंदे का टीममेट होगा, रिवाइव वगैरह कर रहेगा, पर नहीं, नो मैन अभी भी वो शैक में ही है भाई। इतना तगड़ा कौन छुपता है यार, लुका छुपी थोड़ी चल रही है यहाँ पे। और इस बंदे को मार के मेरे यहाँ पे 3 किल हो जाते हैं। बंदे के पास फ्लेयर गन भी थी, चलो वो फ्लेयर मैंने उठा ली, यहाँ पे 2-2 फ्लेयर होगी मेरे पास। और वही फ्लेयर गन चलाने के लिए हम लोग आ चुके थे यहाँ पे अपार्टमेंट की तरफ। जल्दी जल्दी मैंने अपनी फ्लेयर चला दी दोनों। बिल्कुल मेरा भी मन ही नहीं करता इंतजार करने का, तुम्हें पता है भाई पेशेंस है नहीं, पेशेंस की बात अलग है, इंतजार भी कर लेंगे लेकिन इंतजार करते रहे तो बंदे जो 33 अलाइव है ना, फ्लेयर ड्रॉप आते आते भाई 20 अलाइव रह जाएंगे। इसलिए बंदे मारने के लिए मेरे को उस सरकारी ड्रॉप की तरफ भी जाना पड़ता है कि क्या पता वहाँ पे कुछ बंदे मिल जाए, उनको सेट करने के बाद हम लोग फ्लेयर ड्रॉप लूटने निकल जाएंगे। लेकिन जब भी मैं ये चीज़ करता हूँ ना, मेरे फ्लेयर ड्रॉप पे कोई बंदे पहुंच जाते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, इनडायरेक्टली मतलब मारने तो बंदे ही है ना, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली। फिलहाल यहाँ पे मैं आया और लूट चुका है भाई ड्रॉप, लेकिन किसी बंदे ने ओग नहीं उठाई। कौन है भाई ये महाशय, और देखो आउटफिट छोड़ रखे, मतलब इस क्या बोल रहा हूँ, इस ड्रॉप में पक्का गिली सूट था। अब मेरे टीममेट ने वहाँ पे कुछ मार करा लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और उसने शूट भी करा लेकिन फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा भाई अपना फ्लेयर ड्रॉप आ रखा है वो लूट लेता, कोई लूट लेगा, लेकिन फिर मेरे टीममेट ने वापस से मार करा। अब भाई 3-3 बार भाई ने बोल दी, देखना पड़ेगा। और वहाँ पे गाड़ी भी थी तो मतलब मैं बंदे मारने आया था, बंदा मिल चुका है तो फ्लेयर ड्रॉप चाहे भाड़ में, इसको देखेंगे। गिली सूट था पर डरने की जरूरत है नहीं, मतलब जरूरी नहीं, RPG ओग थी जो कि मैंने उठा लिया है। चलो अब इसे पुश करते हैं। जैसे बंदे की रिलोड करने की आवाज़ आ रहा तभी के तभी घुस गया, लेकिन अभी मेरे को अपने ड्रॉप्स की तरफ घुसना चाहिए भाई, बंदे आ जाएंगे। वो देखो जस्ट अभी लैंड ही करें ड्रॉप्स, देखो अभी जस्ट येलो धुआं निकला है वहाँ से, लग तो नहीं रहा यहाँ से कोई बंदा है, वैसे यहाँ से दिखता भी नहीं भाई बंदे हैं कि नहीं। थोड़ा और पास जाएंगे और अब भाई सीन क्रिएट हो गया, पूरी टीम लगी पड़ी है भाई हमारे ड्रॉप लूटने के लिए। AWP उठा ली चोरों ने, कोई नहीं तुम्हें पता है मैं इनसे बड़ा चोर हूँ, बताओ खुद का ड्रॉप ही चोरी करना पड़ रहा है यार। यहाँ से देखो गनशॉट्स की आवाज आई, ओके यहाँ पे 2 नॉक है, और देखो कहीं और से भी गोलियां चल रही है अब, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 बंदे हैं तो ये तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते भाई, चौथा बंदा दूर है पक्का, वो कोई और टीम है। तो ये देखो 2-2 स्कारल M4 चल रही है, लेकिन अभी यहाँ पर अपने किल वगैरह सिक्योर करते हैं। ऊपर की तरफ एक बंदा है जो कि ये आया नीचे, ओ भाई भाई अब तुम देखना मैं कितना बड़ा रिस्क लूंगा। देखो इस शॉटगन से ना मैं 1 MM में मर सकता हूँ, पर फिर भी मैं अंधों की तरह रश कर ही देता हूँ, वैसे अंधों की तरह नहीं, प्रॉपर तरीके से एम करके रश करा था, अंधों की तरह करता तो खत्म ही था भाई। और ये हुई ना बढ़िया बात, मतलब बढ़िया खबर मिली है, जो बंदे हैं ना मैं बता रहा था दूसरी टीम, वो पक्का ये पीछे की तरफ जो रेड कलर का घर है ना बड़ा सारा बीचों बीच, पक्का ये बंदे वहीं पे है। गनशॉट से पता चल गया, अगर तुम भी हेडसेट्स ईयरफोन हेडफोन कुछ भी लगा के देख रहे हो तो तुम्हें भी पता चल गया होगा। अब दूर से तो बंदे दिख नहीं रहे थे पर एक बार मैंने सोचा स्कोपिंग तो कर ही ले साहिल, वो देखो पीछे इनकी गाड़ी भी दिख चुकी थी और
वो देखो एक बंदा मेरी तरफ भी देख रहा था घर में से, पर मैं सही बच गया, मुझे लगा स्नाइपर है, वो एम कर रहा है और बस कहानी खत्म हो जाएगी। देखो एक बंदा घर में था, दो नीचे की तरफ थे, तो समझ रहे हो तीन बंदे तो पक्का है, अब बस तीन ना हो भाई, चार होने चाहिए, मेरे को तीन किल नहीं चाहिए। अब मैं देखो क्रेट वगैरह चेक करके निकलने का सोच रहा था, लेकिन आप सामने फोकस कर रहे एक बार, अब अगर तुम्हें नहीं दिखा इन केस तो भाई मेरे टीममेट के मुंह से तुमने सुनी लिया और अब मेरे मुंह से भी सुन लो, तो वो बंदे निकल जाते भाई अपनी पर्पल यूएस लेके। मैं सोच रहा है अकेला बंदा यहाँ पे गाड़ी गोली चला रहा है, तो तुम इजीली रश कर सकते हैं ना, मतलब आना चाहिए ऐसे पे तो रश करने के लिए, पर नहीं बंदे निकल जाते हैं। हो सकता है मेरे को हल्के में ले गए, उन्हें लगा मैं कोई बोट हूँ, बोट नहीं है यार अपन, मैंने सोचा यहाँ गाड़ी रोक के अब इनके स्प्रे मारूंगा। और आप लोग जरा देखना भाई बंदे किस तरह से लद रखे थे गाड़ी पे, जस्ट तो कोई बस हो, कसम से यार बिल्कुल, ऑटो वगैरह में नहीं जाते हैं ये, क्या ही डायलॉग मारा है टीममेट ने, कभी लद रखे थे बंदे। अब मैंने गोली चला दी, मुझे लगा बंदे रश करने आएंगे, इंतजार कर अपन ने, देखो अभी तक इनको आना होता तो आ जाते। मैं सोचा भाई छोड़ो इनकी बस की नहीं है, इनमें जिगरा ही नहीं अकेले बंदे से लड़ने का, चार बंदे होकर भी, तो मैं गाड़ी लेके अपने निकल जाता हूँ। पर मुझे आती है कुछ आवाज, नहीं प्लेन की आवाज नहीं, पीछे देखो उनकी यूएस आ चुकी थी भाई, पता नहीं कहाँ से घुमा के वो लोग गाड़ी लेके आए थे। और भाई मुझे लगा था इनका चौथा बंदा है, वो तो तीन थे ही, लेकिन पता नहीं अब मुझे इतना पता था वो पक्का पैदल रश करने आ चुके होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और स्प्रे के लिए एक सब्सक्राइब बनता है मेरे भाई, कसम से मेरे को खुद पे शक हो जाता है कि हो क्या रहा है भाई, गन ऊपर क्यों नहीं जा रही। वो दूसरे बंदे को मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था हेडशॉट्स मार के, तो वो भी पक्का हील कर रहा होगा, इंस्टेंट रिवाइव तो मुश्किल ही मिलेगा। एंड यहाँ पे इनकी टीम ऑलमोस्ट बिखर गई है पूरी की पूरी। अब देखो ऊपर एक बंदा हील कर रहा था, सुनना अब मुझे लगा ऊपर ही हील करेगा, पर ये नीचे ही आ चुका था यार, मैंने मौका छोड़ दिया, बढ़िया पर कोई नहीं, दूसरे ट्राई में बंदे को खत्म करा, एक तरह से इनकी पूरी टीम को खत्म कर दे भाई, चार किल मिल जाते हैं यहाँ पे। मेरे अलावा तीन बंदे बच रखे थे, जो कि कुछ देर बाद एक रह जाता है, वो भी एक बोट होता है। और स्किन देखो भाई कितनी बढ़िया हो रखी है यूएस की ना, क्या ही कॉम्बो है। फिलहाल जो भी हो, ये वाला मैच में मैं आया था पायलट प्लाजा में, उतरते ही वेपन्स वगैरह सब कुछ मुझे मिल चुका था, बस बंदों की तलाश थी जो कि निहत्ते घूम रहे थे। इसको तो सही कैच करा मैंने, लेकिन मेरे को एक और फुटस्टेप आ रहा था, अगर आप लोग देखो मिनी मैप देख पा रहे हो, देखो अभी भी फुटस्टेप आ रहा है। और टीममेट ने क्या ही ऑसम किल चोरी करा भाई, ताली बजानी पड़ेगी इसके लिए, लेकिन कोई नहीं, एक और बंदा आया, चलो बॉस इसको खत्म करा। और हाँ यार, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे बटन दिख रहा होगा। अब देखो दूसरी तरफ भी बंदे थे ना, एसएलके वगैरह की आवाज़ आ रही थी, आया मैं, ये देखो दो बंदे भागते हुए गए। और देखो जिस तरह से बंदे भाग रहे थे भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे तो यहाँ पे किसी टीम पे रश कर रहा है वाला। अब हाँ तुम लोग सोच रहे होंगे भाई भागने से कैसे पता लगा सकता है, लेकिन भाई लग जाता है, देखो जिस तरह से दोनों बिल्कुल साथ भाग के आ रहे थे, ये देखो इसकी तो फटी पड़ी भाई पूरी तरह से, पता नहीं क्या करना चाह रहे मैसेट लेके। अब देखने कितना फनी इंसिडेंट होने वाला है, देखो ये बंदा कूदा, अब ये बंदा देखना मेरी तरफ आता है और मैं इसकी तरफ जाता हूँ, वापस से मेरी तरफ आता है, मैं इसकी तरफ गया, और अब मैंने सोचा इसको कंटिन्यू करेंगे। पर ये बंदा चला के निकला भाई, ये समझ कर चुका, बस क्या बोला मैं, समझ चुका था कि मैं इसके साथ खेल खेल रहा हूँ। फिलहाल उस एसएल के वाले बंदे को भी तो मारना था, वो देखो बाहर की तरफ कूदा, और देखना इसके क्या ही हेडशॉट लगेगा, अब देखना व्हाट द हैक। मेरा कॉर्सेयर नहीं क्रॉस एयर बिल्कुल देखो रेड हो चुका था, और फिर भी हेडशॉट नहीं लगा भाई, हद है। जो भी हो इन बंदे को मारने के बाद अपन गाड़ी लेकर आ चुके थे थोड़ा एसएसटी के पास, मतलब यहीं से होते होते बस स्टेडियम की तरफ जा रहा था। पर इधर से आती गन शॉट्स की आवाज़, और यहाँ कहीं से भी गोली चली थी, मैं शैक के पास भी आया पर यहाँ कुछ था नहीं, बट मैंने देखो उस पत्थर के पास एक बंदा नॉक पड़ा है, तो यार अपन किल चोरी करेंगे, लेकिन नहीं उसको इसी बंदे ने मारा था, इसका टीममेट नहीं था वो। ये मुझे लगा बॉट है, तो मैंने इग्नोर कर दिया एक तरह से, उसके बाद मैं नहीं भाई बिल्कुल भी बॉट नहीं है ये, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए मेरे को। देखो जल्द से कवर में गया बंदे के पास, पिंक आउटफिट थी, पिंक आउटफिट नहीं मतलब पिंक कलर की उसके हेलमेट की स्किन थी। अब बहुत देर तक ऐसे नैन मटक के चलते हैं, वो बंदा नहीं दिखाता अपने नैन, मैं ही बस देखता रहता हूं, तो बात नहीं बनेगी ऐसे, उसे पता था दो बंदे हैं, इसलिए हमें क्लोज इन करना पड़ेगा। और ये देखो ये निका टीममेट था, इस तरफ जा रहा है ना भाग के, अब मुझे लगा था यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा था, पर नहीं दो थे। और ये देखो ग्रेनेड बिल्कुल शैक में गया था,
बहुत ही गुड, एकदम से कब डबल डिजिट के लोगे मेरे को भी नहीं पता चला। यहाँ पे थोड़े 7 cam उठाए और फिर मैं गाड़ी लेकर आया यहाँ पे। अब तुम्हें पता है बंदा किस तरफ है ना, वो देखो गाड़ी उस घर पे दिख चुकी होगी, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, सीधे मैं घर की तरफ घुसने वाला था, पर ये भाई कहीं और से भी बंदे शूट करते हैं, हो सकते सी के टीममेट हो, पर ऐसा था नहीं। अब देखो मैं बताता हूँ, मैंने इसको असल किसी इसलिए मार दिया क्योंकि पीछे की तरफ जो बंदे थे ना उनसे मेरे को फाइट कर रहे थे, इसकी हरकतों से लग रहा था एक नंबर का समझ जबस कैसा प्लेयर है, इसलिए क्यों ज्यादा एफर्ट्स लगाने। फिलहाल इसको इसको क्या ही उतारा यार, मजा आ गया कसम से। ये मैंने क्या करा था भाई, इतना गंदा स्प्रे, पहले इतना सुंदर स्प्रे मारा फिर ऐसा। अब भाई यार मैं जब पीक के बटन यूज़ करता ना तो वो कुछ इस तरह से मतलब है मेरी स्क्रीन पे कि हिल जाता भाई मेरा स्कोप, कहीं और ही चला जाता, उस वजह से एकदम से रिकॉइल इतना ऊपर जाता ना। अब समझ नहीं आ रहा था भाई बंदा हाँ मार किस तरफ से रहा है, इतना तो मुझे पता था है तो सामने की तरफ ही, लेकिन पेड़ मुझे दिख नहीं रहा था। और यहाँ से देखो इस टाइम पे बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरे टीममेट ने मेरे को डैमेज दिया, क्योंकि उसने जैसे शूट करा तभी सामने से मेरे को पड़ी, तो बिल्कुल ऐसा लगा मेरे को कि भाई लेफ्ट से कहाँ से पड़ी, टीममेट तो नहीं मार रहा, पर ऐसा तो इम्पॉसिबल है। मैं एक बार देख रहा था कि भाई पीछे की तरफ कोई बंदा ना हो, पर नहीं, ये सारे के सारे सामने की तरफ ही हैं, और एक नंबर के नुपड़े थे, लेकिन भाई इनकी गोलियाँ ऐसी चिपक रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। ओके तीसरे में देखो मेरे टीममेट ने मारा, और चौथा बंदा ये था जो कि मेरे साथ अब लुक्का छुपी खेलने वाला है। ये बेचारा तो कंफ्यूज हो गया था कि भाई इतना ज्यादा कौन उछलता है, जो भी हो आखिरी के एक दो बंदे बच रखे थे जिनको हमने बहुत ज्यादा ढूंढा, कसम से मैप में इतना घूमे और आखिरी में ये बॉट निकलते हैं, सारी मेहनत वेस्ट गई भाई, इतना ज्यादा घूमे बहुत बेकार लगता है जब ये आखिरी में बॉट निकलते हैं। बट कोई नहीं, ये वाला मैच में मैं आया था वापस थर्ड डल में, क्या पिछले मैच में थर्ड डल में आया था याद नहीं मेरे को। अब मेरे को वेपन्स वगैरह मिल चुके थे, मैं इस वाले बिल्डिंग में जाता हूँ और यहाँ एक कैंपर मिलता है मुझे, देखो मेरे मैप देखते रहना आप लोग। यहाँ पर बंदा था ना, फुटस्टेप दे दी थी उसने, और क्या ही छुपता है ये यार, शोभा थोड़ी देता है, एक तो तुमने फुटस्टेप भी दे दी, सो रहे तुम कोने में छुप भी रहे हो। अब सामने से एक और बंदा आया जो कि बड़े ही कॉन्फिडेंस में आया था, लेकिन भाई जब सामने कोई टिप प्लेयर हो ना तो बेकार से बेकार प्लेयर भी तुम्हें मार सकता है। देखो ऊपर की तरफ एक और बंदा आ रहा था, पर यार भाई वो बंदा रास्ता भटक जाता है, इस तरफ नहीं आता, वो कहीं और ही निकल जाता है। तो मैं अब देखो बाइक लेकर आ चुका था स्टेडियम के पास, और ये देखो टू व्हीलर के यही तो फायदा है भाई, कहीं से भी एडजस्ट करके तुम निकाल सकते हो। अब देखो हमको घुमा के ले जानी पड़ती, टाइम वेस्ट होता। यहाँ पर हमारे, और देखो मेरी खिड़की में देखा ऊपर, मुझे लगा था अच्छे खासे दो बंदे मिल गए, दो किल्स बढ़ जाएंगे, लेकिन ये ओपोनेंट्स थे भाई, एक बंदा दूसरे को मार देता है, और इतना ही नहीं भाग और जाता है यहाँ से ये। अब तुम्हें पता है ऐसे प्लेयर से भाई नेक्स्ट लेवल इरिटेशन है। एक बार के लिए मैं आरपीजी नहीं, कुछ ज्यादा होगा वो, अलग अलग लेवल हरामी होते हैं, पर ये भी कम हरामी नहीं है, ये भी भाई निकल जाता है यहाँ से। अब इसकी स्की तो रुकनी थी, तो बस उसी का इंतजार करा मैंने और उस बंदे को फोड़ दिया यहाँ पे, एक तरह से स्क्वाड पूरे 4 kill हो चुके हैं। अब हम देखो बाइक लेकर आ चुके थे यहाँ पे थर्ड हिल के पास बंदों की तलाश में, और यहाँ देखो जिस तरह से, अब मुझे लगा था भाई बाइक आर पार हो जाएगी, काफ़ी बढ़िया स्पीड है, मिरांडो तो हो जाती है, पर नहीं है बाइक के साथ, क्या इसी था मैं सोचा एक बार ड्राइव करके देखता हूँ, मुझे लगा निकल जाएगी, पर ये देखो क्या ही गिर रहा था यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे टाइम लूप में नहीं फंसना भाई, बार बार नीचे नीचे गिरता जा रहा था मैं, इस तरफ कहीं बंदे थे, डीपी वगैरह चल रही थी, और फुट सबसे मैं समझ गया था बंदे पक्का है। ये देखो एक तो मेरे मुंह के सामने है, और देखना ये ग्रेनेड से बिल्कुल ही फटने ही वाला था, पर भाई देखो कितनी दूर पहुंच गया, 1% भी डैमेज दे गया। अब देखना यहाँ पे फाइट कितनी देर तक चलने वाली है, बहुत देर तक। आराम से घर का एक कोना पकड़ लो, और भाई देखना ये फाइट ज़्यादा लंबी चलने वाली है, मतलब इतनी भी लंबी नहीं कि समझ रहे हो ना मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट स्टिल इनको मैं इजीली मार सकता था, पर मैंने फालतू में भाई बिल्कुल भी इजीली नहीं मार सकता, देख रहे हो आखिरी की 4 goals में बंदे को नॉक करा, रिस्क था बहुत बड़ा, पर तुम्हें पता है मैं रिस्क क्या करूँ यार, मैंने डर था माइनस लग जाएगी, कोई नहीं रिकवर हो जाएगा, पर एक बढ़िया मोमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई रिवाइव करने आया इसको, तो उसके मैं लगे हाथ भाई, कैसे ये बंदे बच कैसे रहे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उसी आउटफिट वाले को ढूंढ रहा था,
जिसको मैंने डैमेज दिया था, पर भाई वो निकल गया मेरे हाथ से। गई भैंस पानी में भाई, इतना डैमेज कर रहा था, उसको नॉक कर देता तो पूरा दबदबा बन जाता और मैच मेरा होता। पर कोई नहीं, अब ये फाइट और आगे बढ़ेगी। लिटरली उनके मुंह के सामने मैं सरेंडर करके आया हूँ, हथियार पीछे रख के, भैया जी बाय, हम हमारी बस की नहीं है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर छुप जाता हूँ, पता नहीं यहाँ पे कोई और टीम आ गई थी फिर क्या सीन था। ऊपर की तरफ टोटल 3 बंदे तो पक्का है, पर मुझे फील ऐसी आ रही थी कि कोई और टीम भी है। आप देखो, इनको पता नहीं था मैं इस तरफ हूँ, तो मैंने ग्रेनेड टॉस करा कि भाई बिल्कुल इनके कान के पास फोड़ दूंगा, पर एक समझ गया। पर तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का IQ, आए हाय हाय क्या ही बताऊं, मैं खुद ही खुद की तारीफ कर रहा हूं, तुम लोग भी कर सकते हो। कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सब्सक्राइब बटन पे टैप कर देना, दोबारा काम हो जाएगा दोस्त। बहुत ही अद्भुत, आखिरी बंदे की बारी, एंड हियर वी गो। पूरे भाई साहब पूरी स्क्वाड यहाँ पे मारी जाती है, ऊपर 8-8, वो कितना सुंदर लग रहा है यार। माना कि बंदे कम बच रहे, अगर ये सारे रियल होना तो भी भाई बात बन जाएगी ना, सोचो 7 बंदे में मार दूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आ चुका था स्की लेकर, बाइक तो मैंने पानी में फेंक दी थी, अब मेरे अलावा 4 बंदे बच रखे थे। अभी भी अगर ये 4 रियल हो तो मजे आ जाएंगे। मैं आप देखो स्कोप स्कोप आउट कर रहा था स्टेडियम की तरफ, बिल्कुल जोन के सेंटर में था मैं, तो आई थिंक बंदे दिख जाएंगे मुझे यहाँ से, ज़्यादा मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं। मेरे को लेफ्ट से डाशी के पास आई, लग रहा है ओक की तारीफ कम करनी पड़ेगी भाई मेरे को, क्या ही स्टेबल स्प्रे गया भाई। अगर इस पास M4 होती तो शायद नॉक नहीं कर पाता। अब ये एक देखो हाईलाइट तरह का गेम प्ले है, मतलब अब मैं तुम्हें कुछ हाईलाइट्स दिखाऊंगा जिनमें मैं जीतता नहीं हूँ, मैच आधा भी नहीं पहुंचता है, बट वो आधा भी बढ़िया होता है। वापस से मेरे टीममेट के लिए ताली, ऑसम किल चोरी करा भाई ने। फिलहाल देखो स्विमिंग पूल की तरफ से भी फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है, तो मेरे पास मौका है, मैं इन किल्स को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इस बार टीममेट से बच के ही, ये बहुत बड़ा वाला किल चोर है। अपनी मेरे मेट की लगाई, वो देखो बंदा वहाँ पे बॉट मारने गया है, और देखो उसका टीममेट भी उससे ज्यादा सपोर्ट में कि भाई तू क्यों, मैं भी मारूंगा कुछ। हाँ तो यार, बट कोई बात नहीं, अब इनको पता चल चुका है इस तरफ रियल प्लेयर से, तो शायद ये इधर की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। पर ना 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 ना, इस वाले को देखने कहीं सरप्राइज अटैक दिया, ऐसे पता था मैं ऊपर हूँ। बहुत ही अच्छे, चलो अब जल्दी जल्दी गेम को आगे बढ़ाते हैं। मैं देखो सेंट्रल रोड के पास, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल शांति थी, पर ये भाई साहब हमको इनवाइट करते हैं कि भाई आजो फाइट ले लो। और ये भाई क्या क्या भसड़ है, एक से कब 4 बंदे हो गए पता ही नहीं चला। मैं देखो एक बार रुका भी देखने के लिए कि सही में ही 4 थे ना, ये कोई वहम था मेरा, क्योंकि कोई फुटस्टेप नहीं आया था, सिर्फ एक बंदे ने गोली चलाई और अचानक से भाई नदी में से 2-3 बंदे निकल के आ रहे हैं। अब टीममेट की तो पेटी बना दी भाई, छोटा भीम बना दी उसको सेकंडों में। मैंने यहाँ पे वेट करा कि कोई ना कोई बंदा तो जरूर कॉन्फिडेंस पाएगा, 4 में से कोई एक तो बूफट होगा जो इस तरफ आ जाएगा रश कर रहे। मैं बिल्कुल एक्यूरेट गोली मारूं तो भी डैमेज रजिस्टर नहीं हो रहा, और मैं कवर में जा रहा हूं उसके बाद भी उनकी गोलियां लग रही है भाई, ये सीन होते हैं मेरे साथ। अब देखना तुम यहां पे, लिटरली उस बंदे को मारने में 30 से भी ज्यादा बुलेट्स लगी है, फ्रिकिंग 30 बुलेट्स, ज्यादा अंग्रेज हो रहा हूँ आज मैं। फिलहाल मैंने मोली फेंक दी, मुझे लगा कि तुमसे ऊपर की तरफ आएंगे, पर नहीं। अब ये ग्रेनेड देखना भाई, लेजेंडरी है कसम से। एक तो फिनिश हुआ और एक नॉक हो गया, बहुत ही बढ़िया किल भी सिक्योर हो गया। मुझे लगा एकदम से ऊपर आएंगे तो ये ग्रेनेड यहाँ फेंकना सही रहेगा, पर नको इतनी आसानी से नहीं मरेंगे लोग, बस ये रेड जोन ना गिर जाए, नहीं तो दिल टूट जाएगा इस टाइम पे मेरा। अब मुझे पता था वहाँ पे जो नॉक है उसके पास भी एक बंदा था, तो वो पक्का रिवाइव करेगा। और भाई आखिरी बंदा, हाँ यार